60 किलोमीटर बन जाता है, 1 आवर तो मिनिमम 1 आवर तो ज़रूर ही लग जाता है, लेकिन अगर आप स्लो स्लो जाएं तो 1.5 आवर भी लग जाता है। तो हमने अभी हमारे साथ दूसरी फैमिली सायद भाई लोग भी जा रहे हैं, तो हमने उनसे रब्ता किया कि आप लोग किधर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग चलें, हम लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। मोस्टली ये होता है कि हम जब लोग घर से निकलते हैं तो हम कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, और रास्ते में हम किधर भी स्टॉप करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जी आप हमारा वेट ना करें, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लोग चलें जहाँ हमने जाके बैठना होता है या हमने जहाँ पिकनिक हमारा स्पॉट है, तो आप लोग वहाँ पहुँच जाएँ, तो इंशाल्लाह हम लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। हम लोग बस रास्ते में हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है और इस तरफ जाने वाली गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं वीकेंड होने की वजह से। और रास्ते में जब हम घर से निकले हैं तो हमने सलाह लोगों का एक फ्रेंड है उसको भी ले लिया है, और सूरज बिल्कुल अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया, ग़ुरूब होने वाला है। देखिए मैंने सूरज की अपनी गाड़ी का जो मिरर है उससे पिक्चर ली है। जी हम जाते हुए हम लोग रास्ते में रुके हैं, और ये देखें ये मिट्टी के पहाड़ हैं। बच्चों ने कहा कि थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखें मौसम इतना अच्छा है, हवा चल रही है और सूरज कितना प्यारा लग रहा है जी। और ये देखें जी बाप बेटी उदय भैया तो बड़ी एक्साइटेड होती है जब ये आउटिंग के लिए हमारा प्रोग्राम बनता है ना। उदय भैया देखें, और बच्चे हमदान, ये अब्दुल्ला आया हुआ है सरा लोगों का फ्रेंड, और देविया को देखें, और ये सारे पहाड़ हैं, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। और देखें वो सामने अपोजिट साइड पे भी एक फैमिली ने यहाँ ही डेरा डाल लिया है, जबकि हमारी तो मंजिल अभी आगे है। अभी कह रहे हैं कि यहाँ ही बैठ जाते हैं, मैंने कहा नहीं, बच्चे कहते हैं कि यहाँ नहीं बैठना आगे चलते हैं। और आज रश भी काफ़ी है, गाड़ियाँ काफ़ी लग रही हैं क्योंकि वीकेंड है ना, वीकेंड पे लोग इस तरफ आते हैं ज़्यादा। तो दुबई में आप देखें ये पहाड़ भी हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको नज़र आएंगे ये मिट्टी के पहाड़ हैं, और दूसरे भी पत्थर वाले पहाड़ भी यहाँ पाए जाते हैं। और बच्चे देखें वो कहाँ चढ़ गए हैं, सलार उदयभिया आप नहीं चढ़ो ऊपर, और देखें बच्चे कहाँ चढ़े हुए हैं, ऐसे नहीं करो, हेलो जाओगे और नहीं करो। उदयभिया देखें, उदयभिया आप किधर चढ़ रही हो, वाह विक्ट्री, आपने आप ही चढ़ गई हो ना। नो ये देखें जी, यहाँ ये पत्थर के बड़े बड़े पीस पड़े हैं और बच्चे इसके ऊपर चढ़ के एडवेंचर कर रहे हैं यहाँ ही। बच्चों का दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, जल्दी आओ गाड़ी में बैठो चले ना, फिर शाम हो जाएगी ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। बैठो 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 बैठो। जी तो आप जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। हम वहाँ से निकल आए हैं, अब हमारी हम जहाँ बैठते हैं वो जगह थोड़ा इससे आगे होती है, और मौसम बहुत प्यारा है और काफी लोग तो रास्ते में बैठ जाते हैं, फिर जिसको जो जो जगह पसंद आती है वो वहीं बैठ जाता है। और डेजर्ट है ये साथ, डेजर्ट में हम लोग इसलिए नहीं बैठते कि बच्चे पूरी सैंड अपने ऊपर गिरा लेते हैं और हर चीज़ में सैंड ही सैंड हो जाती है। फिर हम लोग थोड़ा आगे जाके बैठते हैं, वहाँ ज़रा जो सरफेस है वो थोड़ी अच्छी होती है, और देखें आपको क्लाउड्स भी नज़र आ रहे होंगे, और मोस्टली जो बारिशें हैं यूएई में वो ज़्यादा इस एरिए में ही होती हैं, और यहाँ का टेम्परेचर दुबई से काफ़ी कम होता है, और रात को तो इधर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और हम लोग बस अभी जा रहे हैं रास्ते में, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी थोड़ा सा आपको रिव्यू कर लूं कि हम लोग किधर पहुंचे हैं अभी। और हमारे साथ दूसरी फैमिली शायद भाई लोग भी आ रहे हैं शारजा से, वो अपनी गाड़ी में वो थोड़े लेट भी हो गए हैं, हमने उन्हें अभी कॉल की थी, उन्होंने कहा हम भी बस निकल आते हैं, और हमारा भी माइंड यही था कि हम लोग 4 बजे घर से निकल आएँ, लेकिन बस निकलते निकलते देर हो जाती है, और इसलिए अभी बस हम लोग अपनी मंजिल के करीब हैं बिल्कुल पहुंचने वाले, और वहां पहुंच के मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगी कि हम अपने पिकनिक कहां जाके मना रहे हैं जी।
हम रास्ते में रुके हैं। ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जब भी मैं यहाँ से गुजरती थी, और यहाँ पार्किंग नहीं है, लेकिन मैंने कहा है अभी को कि आप गाड़ी 2 मीटर रोके रोड के ऊपर ही। हमने गाड़ी जो है बट इंडिकेटर लगा के गाड़ी को पार्क किया है, और मैंने कहा मैं आपको व्यू दे लूँ, और कितना सूरज बस गरूब होने वाला है, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा आगे हम लोग नहीं जाते और यहाँ से ही थोड़ा मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। और देखें ये है रासुल खैमा शोका एरिया, और यहाँ से ये ब्रिज के ऊपर है हम लोग हैं, देखें जी। और बच्चों का दिल कर रहा था कि गाड़ी से उतरे, लेकिन मैंने कहा नहीं आप लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे। हाय हाय हाय, सलार हमदार दोनों ने कहा है कि हमने उतरना है, और उतर के हमने भी यहाँ हमारी पिक्चर्स बनाए, और ये देखें निकल आए। उदैबिया भी उतरना चाह रही थी, लेकिन मैंने उदैबिया से कहा सलार आगे मत जाना, लेकिन मैंने उदैबिया से कहा नहीं उदैबिया आप गाड़ी में ही बैठो, और ये मैं इन दोनों की जरा वीडियो भी बना लूं। सलार इधर आओ, सलार इधर आओ, और क्लाउड्स भी हैं, अल्लाह करे आज के रेन आ जाए ना तो हमारी पिकनिक का मज़ा जो है वो डबल हो जाए। और ये एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखें यहाँ ना गाड़ियों में फ्रूट के इन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं, ये आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे जगह जगह, जब आप इस तरफ आते हैं ना तो रास्ते में जो भी अभी गाड़ियाँ गुजरती हैं वो रुक के फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो फिर ये अपनी गाड़ी की डिग्गी में इन्होंने एक स्टॉल की शक्ल में एक लगाया हुआ है, और वो आदमी नमाज पढ़ रहा है साथ, और ये उसकी गाड़ी का स्टॉल है। और इसी तरह आगे भी आपको पीछे आगे बहुत से स्टॉल ऐसे नज़र आएंगे, तो हम लोग इस जगह पे आके बैठते हैं, फिर माउंटेन पीछे रह जाते हैं, और ये जगह एक तो प्लेन है कि बच्चे इजली खेल सकते हैं, दूसरा यहाँ सैंड भी नहीं होती, और कि बिल्कुल प्लेन जगह है, तो ये हमारी मंजिल थी। और आप लोगों को तो ये लग रही होगी कि कितनी अजीब सी जगह तो नहीं लग रही आप लोगों को, और ये देखें ये एक और स्टॉल, और ये गाड़ी खड़ी है और वो उसे कुछ खरीद के अभी जा चुका है, देखें। वेलकम बैक जी, और हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है, और देखें हम अपने पिकनिक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, और बच्चे सलार उतरो बेटा, निकलाओ निकलाओ, अभी हम लोग अपनी लाइट्स साथ लाते हैं जो गाड़ी की बैटरी में हम लोग लगाते हैं, लेकिन अभी रोशनी है कुछ, और साहिल भाई लोग तो अभी नहीं पहुंचे, लगता है वो ज़्यादा ही पीछे रह गए हैं कुछ आज, अदरवाइज तो वो हमारे से पहले ही पहुंच जाते हैं। और देखें उदैबिया, हाय अब्दुल्ला, सलार, हमदान, अभी तो अभी सामान हम लोग अपन गाड़ी से निकालेंगे जो हम लेके आए हैं, और गाड़ी हमारी, हम जब भी हम लोग आते हैं हम लोग ये पहले ही माइंड बनाते हैं कि इस दफा हमने सामान कम लेके आना है, लेकिन बिलीव नहीं कि हमारा सामान इतना हो जाता है कि हमारी गाड़ी में बिल्कुल जगह ही नहीं रहती, कुछ चीज़ें फिर गोद में रखनी पड़ती हैं, और इस दफा भी ऐसे ही हुआ, और हम हालांकि अभी काफ़ी सामान हमने कहा ये भी नहीं लेके जाते ये भी नहीं लेके जाते, लेकिन सामान काफ़ी हो जाता है, और अभी सामान बस लगाते हैं, तो फिर जब सामान एक दफ़ा रेडी हो जाएगा पूरा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या लेके आए थे पिकनिक के लिए। जी शायद भाई ये लोग भी आ गए थे, और देखें आते ही मैं अभी को कहती हूँ कि हम लोग जाते हैं जाते ही आप लोग शुरू कर देते हैं खाने पकाने का सिस्टम, थोड़ी देर बंदा बैठता है गप शप लगाता है फिर शुरू किया करे, लेकिन हमारी इतनी रेसिपीज़ होती हैं बनाने वाली, वो कहते हैं कि अगर हम वेट करें तो हमें सुबह हो जाए और सुबह तक हम पकाते ही रहें, इसलिए देखें शायद भाई ने आते ही आग जलाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया, और ये आग जला रहे हैं जी ताकि कोयले बने और हम बारबेक्यू कर सकें, और हमने सम टाइम ये भी होता है कि हम लोग जब किधर जाते हैं तो हम अपना सिलेंडर और चूल्हा भी साथ लेके जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा नहीं जी चूल्हा और सिलेंडर नहीं ले जाना, जो भी बनाएंगे वो लकड़ियों की आग जलाएंगे और उस पर पकाएंगे, और देखें ये हमने पूरा अपना सिस्टम जो है वो ओपन कर दिया है, मैट बिछा दिया बच्चों के लिए और उसके ऊपर हमने सारी चीज़ें रखी हैं, और ये उदैबिया है और नबिया है और सलार लोग जो है वो टेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और कि टेंट लगाते हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हवा चल रही है काफ़ी,
और बच्चों ने टेंट को पकड़ा हुआ है और उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं हमदान, सालार और अब्दुल्ला। और ये देखें जी व्यू, यहाँ बैठने का हमें एक और फ़ायदा ये भी होता है कि लाइटिंग, अगर हम अपनी लाइट ना भी लगाएं तब भी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी रोशनी आती है, और ये रोड के नज़दीक भी है, रोड से हट के भी है। तो देखें जी ये हमारा सारा सामान जो हम लाए हैं और हमने गाड़ी से निकाल के बाहर रखा है, और ये हमारी वाटर बॉटल, पीने का जो पानी है वो हम ये इस बॉटल में लाते हैं, और उसके अलावा ये हमारे दूसरे आइटम्स, और ये शायद भाई ने साथ ही जो चिकन टिक्का है उसका मसाला भी लगा के घर से लेके आए थे, और ये अभी उन्होंने सीखों में चढ़ाना शुरू कर दिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि जैसे ही कोयले हमारे रेडी होंगे तो साथ ही हम अपना बारबेक्यू स्टार्ट कर देंगे। तो देखें ये बड़ा मज़े का लग रहा है, और आज तो ये है कि आज तो हमने दिन में भी खाना नहीं खाया और हमें भूख भी ज़्यादा काफ़ी लगी हुई है, बच्चे भी सारे भूख भूख कर रहे हैं, और भाभी भी मुझे कह रही हैं कि हमने भी आज दिन में खाना नहीं खाया। मैंने कहा चलें अभी मज़ा आएगा खाना खाने में, क्योंकि भूख हो तो खाना अच्छा जो है वो खाया जाता है। मेंटेन करें ना आप कैसे। और ये शायद भाई बस जल्दी जल्दी में अभी लगा रहे हैं सीखों में ये चिकन टिक्का। हम लोग पहले बोनलेस वाला चिकन टिक्का बनाते थे, लेकिन वो इतना मज़े का नहीं लगता जितना ये लेग पीस जो हैं ये टेस्टी लगते हैं। और उसके साथ ही देखें बच्चों ने ये चेयर्स टेबल वो भी लगा ली हैं निकाल के, और बच्चे अब अपनी गपशप लगा रहे हैं। बच्चों का ये दिल है कि हम कुछ खेलें, लेकिन कहते हैं कि पेट में कुछ हो तो हम लोग खेलें, इसलिए हमें पहले जल्दी जल्दी खाने को कुछ दें और उसके बाद हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलेंगे। और अभी बच्चों ने ही सारा ये मैनेज किया है और सारी चीज़ें प्रॉपर रखी हैं, और ये हमदान, अब्दुल्ला और सालार बैठ के, सालार उधर है कुछ काम कर रहा है, और ये अब्दुल्ला, ये दोनों अब्दुल्ला हैं बाई चांस, ये सालार इनके दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों का नाम अब्दुल्ला है। और ये हबी और साजिद भाई अंगीठी में आग कुछ जलाई हुई है ताकि अंगीठी में हम लोग कोयले बन जाएं बारबेक्यू के लिए, और साथ लकड़ियां जलाई हैं कि चूल्हा हम रखें और उसको चूल्हे के तौर पर यूज़ कर सकें। और साजिद भाई ने आज माइंड बनाया था, उन्होंने कहा कि हमने पहले हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं तो एक ही डिश बनाई जाए या मैक्सिमम दो डिशें बनाई जाएं ताकि अच्छा पेट भर के खाना खाएं। लेकिन साजिद भाई ने आज कहा कि हमने मीन के सालन भी बनाना है और साथ हमने राइस भी बनाने हैं। और साथ ये मज़े की बात कि साजिद भाई कुकिंग बड़ी कम करते हैं जबकि मेरे अभी कुकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके जो कुछ कुकिंग के वो खरबूजा जैसे खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो साजिद भाई को भी शौक हो गया काफ़ी कुकिंग का, और वो भी अब कुकिंग करने लग गए हैं, पहले वो कुकिंग में इतनी नहीं करते थे। आज उन्होंने कहा कि मैं चिकन बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाऊंगा और मैं बना के आप लोग को खिलाता हूँ। और ये देखें जी उन्होंने चिकन बोनलेस कढ़ाई बनाना शुरू कर दी है, और साथ ही हबी ने जो देगचा है उस पर रखा है मटन पुलाव के लिए। हम लोग मटन जो है वो घर से उसको बॉयल करके लाए हैं, और बस यहाँ राइस का बाकी जो प्रोसेस होगा वो करेंगे। और साथ ही हमने बच्चों को कहा है कि आप लोग जो अंगीठी एक सेपरेट भी हम लाए हुए थे उसमें आप बारबेक्यू का वो रेडी हो गए हैं कोयले, तो आप बारबेक्यू में हमारी हेल्प करें। तो अभी हमारा जी ये खाना रेडी होगा तो ही पता चलेगा कि ये कैसा बनता है। और देखें आग हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, और साथ ही हमारी दो डिशें भी जो है वो तैयार हो रही हैं। और बाय चांस ऐसा हुआ है कि देखें जब हमने आग से ही फुल जला ली है तो हवा तेज़ चलने लग गई है, और अभी शायद गाड़ी से कुछ लेने गए हैं तो अभी शायद भाई चावल भी हैं वो भी हिला रहे हैं, और ये अब्दुल्ला बैठा हुआ है वो ऑयल लगा रहा है, और ये जो धुआं निकलता है ना बारबेक्यू का ये इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, खाने से ज़्यादा ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और हबी बना रहे हैं जी मटन पुलाव, और साहिद भाई बना रहे हैं बोनलेस कढ़ाई, और देखते हैं कि जी कंपटीशन है आज इनका किसकी जो डिश है वो अच्छी बनती है। और मैंने साजिद भाई को कहा है कि मैंने कहा कि आपने भी मेरे हबी को देखा देखी अभी ये काम शुरू कर दिया है तो भाभी को काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और लग रहा है कि कढ़ाई अच्छी बनेगी बोनलेस की चिकन कढ़ाई, और साथ जी मटन पुलाव हमारा रेडी, और हमारी भूख में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो गया। और देखें
धुएं की खुशबुएं। ऐसा होता है कि जब आप लोग, आपको भूख ना भी हो ना, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं या आप किसी भी जो फूड कोर्ट है या कुकिंग का कोई भी एरिया, अगर उसके पास से आप गुजरते हैं तो आपको ये खुशबू से भी आपको एक भूख लग जाती है। ये इंसान की एक नेचर में चीज़ शामिल है। लेकिन हमें तो आज भूख वाकई बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है, भूख से बुरा हाल है। बच्चों ने भी चिप्स और घर से आइसक्रीमें खा के निकले थे और बस उसके अलावा तो कुछ नहीं खाया। तो आज फ्राइडे था और देखें जी हमारा ये, अभी हमने मटन भी डाल दिया है इसके अंदर, साथ साथ मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लूं। और देखें, और ये टमाटर डाल दिए हैं मटन कढ़ाई में, और ये बच्चे साथ टिक्का बना रहे हैं और शायद भाई भी हेल्प कर रहे हैं उनकी साथ। हमने दो अंगीठियाँ इसलिए लेके गए थे कि एक अंगीठी में हम लोग बारबेक्यू का कर लेंगे और दूसरी अंगीठी में वो खाने का हम कर लेंगे। एक और भी मैं बात बताती चलूँ कि ये एरिया जो है ये शारजा के एरिया में आता है, और शारजा में मीन के अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर आप कोई भी आप मीन के लकड़ियां जलाते हैं और उसका कोई भी जो कोयले वगैरह वहाँ छोड़ देते हैं, या उसका उन्होंने 5000 दिरहम फाइन भी रखा हुआ है। इसलिए आप ये भी काइंडली नोट कर लें चीज़ कि जब भी आप जाएं सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे वो दुबई का एरिया हो, चाहे रस्म खैमा का एरिया हो, चाहे शारजा का एरिया हो। और देखें जी शायद भाई की ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी हो चुकी है, और मैंने इनसे पूछा है कि आपने इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और अभी हबी जो है वो टेस्ट कर रहे हैं कि बोनलेस जो चिकन है वो गला है या नहीं गला, और शक्ल से काफ़ी अच्छी लग रही है। और शायद भाई ख़ुद भी काफ़ी खुश हैं कि मेरे से कढ़ाई बड़ी अच्छी बन गई है, और खुशबू और उसकी लुक की बता रही है कि बड़ी मज़े की है कढ़ाई। अभी खा के पता चलेगा कि ये कढ़ाई कैसी होगी देखें। और मैं इनसे पूछ रही हूँ, मैंने कहा इसकी जो रेसिपी है ना वो ज़रा आप शेयर करें हमारे साथ, ताकि कभी हमें भी ज़रूरत पड़े तो हम भी बना सकें। तो वो बता रहे हैं कि इसकी ये रेसिपी थी और इसमें मैंने ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, और बच्चे बेचारे उनको धुआं लग भी रहा है और साथ साथ वो बारबेक्यू भी रेडी कर रहे हैं। और हमने जब पहली दफ़ा गए थे मीन के इस जगह में, जब हम लास्ट ईयर गए थे, तो हमने एक डिश तैयार की उसके बाद दूसरी डिश तैयार की, तो क्या होता है कि वो भूख ख़राब हो जाती है। कुछ बच्चे जो हैं वो चिकन खा लेते हैं फिर उनको चावलों की भूख नहीं रहती, अगर चावल खा लें तो सालन की रहती नहीं रहती। हमने आज कहा कि नहीं, हम तीनों आइटम जो हैं वो एक साथ तैयार करेंगे और एक साथ ही मज़े का खाना बैठ के खाएँगे। और देखें सालार तो उसने वो फ़ैन सा लिया हुआ है और बस उसको धुआं लग रहा है और आयल गिरा रहे हैं बच्चे मुसलसल, और बारबेक्यू भी हमारा रेडी हो गया है एक दफ़ा तो, और अभी दोबारा सीखें जो लगाई हुई हैं वो हम रखेंगे। देखें जी फाइनली हमारा खाना लग गया, और हबी और साजद भाई एक साइड पे बैठे हैं और हम लोग एक साइड पे, दूसरी चटाई हमने बिछाई है, और इतने मज़े की है सारी डिशें बनी हैं कि मैं आप लोगों को टेस्ट नहीं करवा सकती। बाकी अगर आप फील करें तो मेरी फीलिंग से आपको आइडिया हो सकता है कि मैं कह रही हूँ, तो ये वाकई तीनों डिशें बड़ी मज़े की बनी हैं, टिक्का भी और मटन पुलाव और बोनलेस चिकन कढ़ाई जो शाहिद भाई ने बनाई है बड़ी मज़े की बनी है। तो हम लोग अभी खाते हैं खाना, आप लोग मेरे व्लॉग को इन्जॉय करें। वेलकम बैक, और खाने के बाद बच्चे फुटबॉल खेले, और देखें अभी थक हार के एक दफ़ा बैठ गए आके टेंट में और कह रहे हैं कि जी म्यूज़िक चलाएं, और म्यूज़िक चला के कुछ एंजॉय करते हैं। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, हमने अपना एक डेक रखा हुआ है, हम लोग साथ लेके जाते हैं और हम लोग म्यूज़िक भी साथ साथ इंजॉय करते रहते हैं। और देखें बच्चे अभी टेंट के आसपास हैं, और अब फिर दोबारा उन्होंने कुछ ब्रेक ली है, और ब्रेक लेने के बाद दोबारा फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है। हम लोग अपनी बैठ के गप्पे मार रहे हैं, और अभी हमारा दिल कर रहा है कि चाय पीने को, तो शायद भाई चाय भी साथ साथ बना रहे हैं। और उदैबिया देखें गाड़ी पर स्लाइड कर रही है और खुश हो रही है कि मैं स्लाइडिंग कर रही हूँ, और ये कामिल अपनी गाड़ी लाया था, और उदैबिया की भी कहती है कि मैंने गाड़ी लेके जानी है, लेकिन हमारी गाड़ी पहले इतनी सामान से फुल होती है, हम कहते हैं कि नहीं आप गाड़ी ना लेके जाओ, गाड़ी कामिल की होती है तो वो शेयर कर लिया करो। तो ये उदैबिया और कामिल दोनों गाड़ी से खेल रहे हैं, और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, साजिद भाई और हबी चाय बनाने में मसरूफ़ हैं, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ
मैं ये वीडियो शेयर कर लूँ। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बताइएगा। और देखें ये साहिल भाई की गाड़ी खड़ी है और हुदैबिया इंजॉय कर रही है। हुदैबिया बहुत खुश होती है। हुदैबिया मीन के जैसे एक हर बच्चे की एक अपनी नेचर होती है। मेरे बच्चे कुछ मॉल में जा के खुश होते हैं, जैसे सलार है उसको अच्छा लगता है किसी मॉल में जाना, पार्क में जाना इस तरह, लेकिन हुदैबिया ओपन एरिया में जा के खुश होती है। और देखें हमारा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जितनी भी ट्राई कर लें कि हमारा सामान कम से कम हो, तो देखें हमने पूरा एक घर आबाद कर लेते हैं। और हम अपनी गाड़ी से जो है वो लाइट भी हमने लगाई है। और एक और मज़े की बात जो मैं आपको बताना भूल गई, मेरे बेटे की बर्थडे गुजर चुकी है हमदान की, और अभी आप देखें लाइव, उसके बाद मैं आपसे गप लगाती हूँ। रवि आप भी करो, क्या हुआ आपको? ये क्या कर रहे हैं? चलिए लाइटर लेके आए, अच्छी कैंडल तो जलाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, लाइटर ले, अच्छी लाइटर ले आए। एक उधर जाओ बड़ा वाला, अंकल को दे दो, नहीं होगा। चला तुम आगे जाओ पार्टी, ये बंद करें। पापा को खिलाओ। अब्दुल्ला प्लेट लेके आओ तो, उसे छोटी सकरत मलाया च पौड़ लगी।
जी ये तो थी हमारी बर्थडे पोस्ट बर्थडे सेरेमनी। रमजान की बर्थडे गुजर चुकी थी लेकिन गर्मी की वजह से हमने सेलिब्रेट नहीं की, क्योंकि हमारा यही दिल था कि हम लोग किधर बाहर जाएं और वहाँ जाके केक वगैरह काटें, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब दुबई का मौसम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। तो रमजान भी हर वीकेंड पर कहता था कि मेरा बर्थडे का आपने केक नहीं काटा, केक नहीं काटा, तो फाइनली आज हमने केक काट लिया है। और अब हवा काफ़ी तेज़ चलने लग गई है और आपको नज़र आ रहा होगा बालून्स और स्टिकर्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ तेज़ हवा की वजह से चलने लग गए हैं। और ये हबीब बैठे हैं और शायद भाई और हम लोग गपशप लगा रहे हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं। और अब जी रात का एक बज चुका है और पाकिस्तान में तो मेरे फैमिली और दूसरे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सो चुके होंगे और हम लोग तो अभी जाग रहे हैं। हम मोस्टली जब भी आते हैं तो हम फुल मीन के नाइट यहाँ ही गुजारते हैं और सुबह 3 बजे के करीब हम लोग यहाँ से वापसी की तरफ जाते हैं। और अभी उदैबिया और कामिल ये भी उनके साथ खेल खेल के थक चुके हैं जी। तो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और हम लोग निकले हैं। शायद भाई लोग हमारे से पहले जा चुके हैं, वो उनको भी 40 मिनट हो गए हैं यहाँ से गए हुए और हमने कहा नहीं आप चलें, हम अभी थोड़ा बैठे थे तो इसलिए हमने उनको कहा कि आप जा सकते हैं। और लेकिन होता यही है कि वो लोग हमारे से पहले काफ़ी सम टाइम तो काफ़ी पहले वो आ जाते हैं, उनके बच्चे ज़रा जल्दी सोने के आदि हैं। हमारे बच्चे वीकेंड पे तो समझ लें हम भी ये बच्चे भी पूरी पूरी रात हम लोग सोते ही नहीं हैं, फिर आगे दिन में जाके सोते हैं। और ये रास्ते में पंप आया है पेट्रोल पंप से, हम अभी पेट्रोल रिफ़िल करवाएंगे और उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवाएँ। तो ये एडनोक का पेट्रोल पम्प है और अभी हम इस पर खड़े होकर देखते हैं कि सेल्फ सर्विस का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, जहाँ हमने ख़ुद उतर के तो पेट्रोल डालना होता है, जबकि वहाँ गाइडलाइन देने वाले भी लोग होते हैं कि जो हमें गाइड देते हैं कि आपने कैसे पेमेंट करनी है, पेट्रोल कितना डालना है, ETC पूरा वो भी बताते हैं। तो सेल्फ सर्विस का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जी आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ज़रूर कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक बेल का आइकॉन होता है, एक बेल का बटन होता है, उस पर आपको क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहें, आपको उनके नोटिफिकेशन आएंगे अगर आप बेल के बटन पर क्लिक करेंगे। और बच्चे भी देखें अभी थक खेल खेल के भी और डांस कर कर के भी थक चुके हैं और उदैबिया तो सो गई है और ये भी सोने के बिल्कुल करीब हैं। और वापसी का सफ़र बड़ा अजीब होता है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।